हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया में 5000 कर्मियों को दिया जाएगा चरणबद्ध वीआरएस। पहले चरण में ईसीएल के 700 कर्मियों के लिए आया है प्रस्ताव। कोल इंडिया से संबंध सभी कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि वीआरएस लाने का प्रस्ताव है। चरणबद्ध तरीके से 5000 अफसर एवं कर्मचारियों को वीआरएस मिलेगा। पहले चरण में ईसीएल के 700 कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी है। अगली कड़ी में बीसीसीएल में भी वीआरएस लेने लायक कर्मचारियों की संख्या में बाबत आकलन शुरू कर दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक वीआरएस के दायरे में उन कर्मचारियों को लाया जाएगा जो 33 साल नौकरी कर चुके हैं। उन कर्मचारियों को भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी उम्र 55 साल पार है। कोल इंडिया का आकलन है कि कई अफसर एवं कर्मचारी अब कई कारणों से पूरा योगदान नहीं दे पा रहे हैं। कई कर्मचारी खुद को नौकरी से अलग करना चाहते हैं, बशर्ते उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। वीआरएस के दायरे में शारीरिक रूप से लाचार, खराब प्रदर्शन करने वाले एवं दागदार लोगों को भी लाया जाएगा। इसके लिए सभी कंपनियों ने अलग अलग ड्राफ्ट तैयार कर स्वीकृति के लिए कोल इंडिया मुख्यालय को भेजा है। कोल इंडिया ने 2.92 लाख लोग कार्यरत सेवानिवृत्त अवधि तक हर माह के लिए 45 दिन का वेतन मिलेगा। वीआरएस के बाद बेहतर भविष्य के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके मुताबिक सेवानिवृत्त अवधि तक हर माह के लिए 45 दिन के वेतन की राशि जोड़ी जाएगी। इससे एक मुश्त दिया जाएगा। बीसीसीएल प्रबंधन का आकलन है कि अभी जरूरत से ज़्यादा 3598 अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक आरएस महापात्रा ने कहा है, वीआरएस से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कोल इंडिया को दिया गया है। जैसा दिशा निर्देश मिलेगा उस अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ईसीएल के महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर हरेंद्र केसरी ने कहा है, ईसीएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दायरे में 700 कर्मचारियों को लाया जा सकता है। अंतिम निर्णय शीर्ष प्रबंधन लेगा। कोल इंडिया को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ कोल इंडिया लिमिटेड से ही आ रही है, दुर्गा पूजा बोनस को लेके। कोल कर्मियों के बोनस पर अक्टूबर को दिल्ली में बैठक। 2.92 लाख कोल कर्मियों के बोनस को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। चारों श्रम संगठनों को बुलाया गया है। पूजा से पहले बोनस कर्मियों के खाते में जाएगा। गत वर्ष 60,500 रुपये बोनस के रूप में मिले थे। इस वर्ष कोल इंडिया का मुनाफा बढ़ा है, इस अनुपात से अधिक बोनस की मांग की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ भी कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। सीनियर मैनेजर में प्रमोट, कोयला अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के कारण कोल इंडिया प्रबंधन ने मैनेजर से सीनियर मैनेजर में प्रमोट, कोयला अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। साथ ही वर्तमान में कंपनी में रहते ही उन्हें प्रमोशन का लाभ भी दे दिया गया है। तबादला किए गए प्रमोटेड अधिकारी अब मार्च 2021 तक संबंधित कंपनी में ही बने रहेंगे। इस आलोक में शुक्रवार को कोल इंडिया ने अधिसूचना जारी कर दी है। तबादला पर मार्च 2021 में फिर से विचार किया जाएगा। सीनियर मैनेजर पर्सनल मनीष कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 9 व 10 सितंबर को जारी प्रमोशन ऑर्डर, जिसमें E5 से E6 में प्रमोट किए गए विभिन्न संभाग व कंपनी में पदस्थ अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। अब उन अधिकारियों के तबादले की समीक्षा मार्च 2021 में की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, बीसीसीएल की 4 भूमिगत खदानों से पुनः उत्पादन की तैयारी में है कोल इंडिया। कोल इंडिया ने दशकों के बाद 12 भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन करने की तैयारी शुरू कर दिया है। इस खदानों में 4 बीसीसीएल व 8 ईसीएल की है, जिसमें 1060 एमटी कोयला का रिजर्व भंडार है। इस बारे में पिछले दिनों कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी ट्विटर पर जानकारी शेयर की थी। उपरोक्त भूमिगत खदानों को सुरक्षा व संकटों के कारण दशकों पहले बंद कर दिया गया था। 12 खदानों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट डोजियर तैयार करने का निर्देश सीएमपीडीआई को दिया गया है। सीएमपीडीआई कोयला भंडार व इसके निकासी पर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीसीसीएल के बेगुनिया, अमलाबाद, मधुबन और लोहपट्टी भूमिगत खदान में 464 एमटी कोयला का रिजर्व भंडार बताया जा रहा है। वहीं ईसीएल के कापसारा, गोपीनाथपुर, चिनाकुरी, शीतलपुर, मोइरा, मधुजोरा, संग्रामपुर, कंकरताला भूमिगत खदान है, जिनमें 596 एमटी कोयला का भंडार है। सूत्रों के मुताबिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद इन खदानों से उत्पन्न के लिए टेंडर निकाला जाएगा। उत्पादन माइन डेवलपर ऑपरेटर यानी आउटसोर्स से होगा।
उपरोक्त खदानों को मुश्किल भौगोलिक खनन स्थिति, आर्थिक अस्थिरता व सुरक्षा मानकों व गहरे भूमिगत खदान से कोयला खनन के तकनीक के अभाव में बंद कर दिया गया था। आज कोयला उत्पादन के क्षेत्र में कई ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिससे गहरे से गहरे भूमिगत खदानों से कोयला का उत्पादन किया जा सकता है। BCCL के खदानों में कोकिंग कोल है, आज कोकिंग कोल के आयात को कम करने में सहायक होगा। कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।